चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए सिंपल, y इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 5, ये अपने क्वेश्चन लिख लिया, क्लियर है? अब ये y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में है, अब डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन के लिए तो है फॉर फॉर डोमेन डिफाइंड वैल्यू ऑफ y, y की डिफाइंड वैल्यू के लिए ये जो डिनोमिनेटर होता है शुड नॉट बी इक्वल टू नॉट इक्वल जीरो, टू जीरो सो 2x माइनस 5 शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, सो 2x शुड नेवर बी इक्वल टू 5, x शुड नेवर बी इक्वल टू 5/2, तो सो सिंपल डोमेन आ चुका है हमारे पास, सब कुछ खाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5/2, बेटा ब्रैकेट में लिखा जाता है, सो r माइनस 5/2 इज द डोमेन, क्लियर? यस सर। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में मैंने बताया था कि क्वेश्चन को y लेके x की फॉर्म में कन्वर्ट करो, सो फॉर रेंज सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, y इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 5, 3x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 5 ये हमारा फंक्शन है, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। सो y मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 2, अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखते हैं, क्लियर? सो 2xy माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 2, x की पार्टी को यहाँ लेके आइए, सो 2xy माइनस 3x इक्वल्स टू 5y माइनस का है इधर जाके 5y उधर गया इधर माइनस 2, नाउ x टेक एज अ कॉमन, सो यहाँ बन जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 5y माइनस 2, नाउ x इक्वल्स टू 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 3, अब लिखते हैं फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ x, डिफाइंड वैल्यू ऑफ x, अगर x की डिफाइंड वैल्यू है सो ये डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, 2y माइनस 3 शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, सो 2y नेवर बी इक्वल टू 3, 3/2 y इज नेवर बी इक्वल टू 3/2, क्लियर? समझ में आ गया? एक चीज पूछूं, सो रेंज बनेगी, रेंज बनेगी सब कुछ लेगा माइनस एक्सक्लूडिंग 3/2 इज द आंसर, एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग 3/2 बन जाएगा। हाँ सर। कोई दिक्कत? हाँ नहीं सर। चलिए नोट कर लीजिए सर, अगर मान के चलो सर ये y 2x माइनस 5 हमने जो इंटू किया था उसमें से हम 2x y को यहीं छोड़ दे, ये क्या बोल गया तुम, इंटू कहाँ किया सर, था सर y 2x माइनस 5 इंटू किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना उसके साथ, नहीं 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 y 2x और माइनस 5 के साथ इंटू जो हुआ, ये यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ ऊपर जरा सर। हाँ यही तो, ये इंटू किया ना, हाँ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 1 है तो इधर चला गया। हाँ वो वही बोल रहा हूँ, उसके बाद जो हम मान के चलो सर ये वो माइनस वाई को उस साइड भेजे और ये सीधी सीधी बात है, एक्स को कॉमन लेना है और कुछ नहीं करना, एक्स आपको बाहर निकालना है, सर सर ये जो 2x माइनस 5 है हम उसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे 2x माइनस 5 उस साइड भेज दिया और वाई को इस साइड ले आए और इसके बाद 5 वाला जो था वो प्लस में चले गया उस साइड में जाके और फिर y को कॉमन लेके तो फाइव वो मल्टीप्लाई में है ना, x ऐसे थोड़ा ना प्लस में चला जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई में होगी प्लस में कैसे चली जाएगी, कौन सी ऊपर देखना सर मतलब भाई ये चीज नहीं नहीं मल्टीप्लाई हाँ में है, 2x माइनस 5 सिंपल यार, एक ही तो रूल बनता और कोई तो रूल ही नहीं बनता है, आप रूल हाँ तोड़ रहे टू हैं। एक्स हाँ भाई भाई सॉरी सर, ये 2x माइनस 5 ये इंटू में है ना, इंटू में है ना, हाँ तो इसका ये जो माइनस फाइव है वो उस साइड जाके प्लस फाइव कभी पे नहीं नहीं जा जाता सकता, वैसा ये इसके साथ सर। मल्टीप्लाई में है, जब तक कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो कैसे चला जाएगा, अच्छा सर तब ठीक है, तब ठीक है। ठीक है हाँ सर। चलिए नोट करिए, चलिए देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2 हमको प्रूफ करके लेके आना है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू कितना होता है, श्योर? 1 माइनस कॉस 2x
क्या सोच रहा दिमाग में नहीं आता रहा या सॉरी 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 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू कितना होता है? cos टू हो सो एक्स सैड, 2 sin² x, सर भूल ठीक है गया ना? सर। हाँ हाँ टू वन माइनस साइन कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 sin² x। अरे सॉरी तो यहाँ सबसे यहाँ बेसिक से वाला था हम लिख सकते हैं कि sin² x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2 लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos 2x/2। तो यहाँ से sin² x को, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने दिया है, बस यही एंगल लगा देंगे इसमें, तो sin² x इक्वल टू 1 माइनस cos(2) प्लस sin² इतना इक्वल टू 1 माइनस cos(), जो भी एंगल है, x-π/3 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin² अगेन है 1 माइनस cos(2x+π/3/2। क्लियर? यहाँ से टू एलसीएम पूरे का दिख रहा है 2 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ 1 माइनस cos 2x cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2 को अंदर कर देंगे तो 2x-π/3, 2x-2π/3 2π/3, हाँ 2x-2π/3 प्लस 1 माइनस cos 2x+ 2π/3, 2π/3, ठीक है? हाँ सर हमको यहाँ पे 1 + 1 + 1 यानी कि 3 वन माइनस हाँ कॉस टू अच्छा हाँ एक्स माइनस 3 - cos 2x माइनस कॉस, यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो cos 2x - 2π/3 और प्लस cos 2x + 2π/3, बोलिए होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ठीक है एडिटिंग भैया, हाँ, और होल डिवाइडेड बाई 2। क्या किया मैंने, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो बीच में दोनों के प्लस बन गया है। ओके, हाँ सर अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है cos A - B + cos A+B। अगर आपको आइडेंटिटी पता है, cos A - B में यदि cos A+B को ऐड कर दिया जाए, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि सर एक चीज पूछ सकता हूँ cos A+B + cos A-B। हाँ श्योर, बोलो बेटा। सर इसमें कॉस ए प्लस कॉस भी नहीं लगा सकते हैं। नहीं मतलब लग ये सकता टू है, एक्स क्योंकि नहीं लग सकता क्यों इसलिए नहीं लग सकता है श्योर, cos A + cos B ये कह रहे हो? हाँ सर क्योंकि ये 2x-2 हाँ लगा पाई सकते बाय हो, थ्री लगा सकते हो, cos C हाँ प्लस सर cos D भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते पर हो, बहुत लंबा चले जाएगा हाँ ना ठीक है ना? और वो भी कर सकते हो अपना हाँ सर जो मैंने बताया मेथड, हाँ सर cos A हाँ कॉस ए माइनस प्लस बी टू प्लस कॉस cos A प्लस बी, हाँ हाँ और सर समझ cos गया A प्लस cos B भी लगा सकते हो। तो चलो तुम्हारी मेथड से कर देते हैं, cos A प्लस cos B ही लगा देते हैं, ठीक है? हाँ सर चलिए सर लेकिन वो ज़्यादा इजी पड़ता सर हाँ ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे ट्रिग्नोमेट्री में, सर 2 cos A cos कोई भी हो दिक्कत जाता वाली बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे। तो दो दो फार्मूले यहाँ पे लग सकते हैं, बल्कि 3 लग सकते हैं, cos A - B अलग से खोल सकते हो और cos A+B अलग से खोल सकते हो, हाँ या हाँ cos A + cos B भी लगा सकते हो और cos A - B + cos A+B, मतलब 3 तरीके से सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है? यस सर तो चलिए, अगर इस कंप्लीट एंगल को मैं ए मान लूँ और इस कंप्लीट एंगल को मैं बी मान लूँ, तो आपको मुझे यहाँ पे cos A + cos B का फॉर्मूला बताना पड़ेगा, बताइए क्या होता है? सर 2 cos A+B/2 वेरी गुड, इंटू cos A - B हाँ बाय टू बिल्कुल सही, cos A - B/2, एक बार A+B/2, एक बार A-B/2। ए माइनस बी बाय चलिए तो टू लगा दीजिए, तो 3 - cos 2x है ना, और बीच में माइनस लगा है, और अब फॉर्मूला लगने वाला है 2cos 2cos। थोड़ा सावधानी बरतिएगा, देखिएगा, क्योंकि दो एंगल हैं, हाँ एक ही सर जगह ये पूरा एंगल है, हाँ टू सर एक्स माइनस 2π/3 फाइव ए बाय थ्री प्लस बी, और बी की जगह 2x+2π/3 है, 2x+2π/3 होल डिवाइडेड बाई 2, बहुत सावधानी से, और केवल हाँ हाँ एंगल सर का डिवाइड बाई 2, इंटू cos A - B। तो ए की जगह है 2x-2π/3, माइनस का अटैक होगा तो बी जो है वो पूरा माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? हाँ सर 2x माइनस तो टू पाई माइनस बाय टू थ्री एक्स माइनस 2π/3,
अब मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया कि टाइम खराब ना हो, हाँ सर समझ गए समझ सीधे गए, खोल खाल डाला, ठीक है, बहुत लंबा जाता है। हाँ सर और होल डिवाइडेड बाई टू, ये था जो पहले टू, टू, डन। हाँ सर तो थ्री माइनस कॉस टू एक्स, अब देखिए भैया कैसे होने वाला है, यहाँ पे माइनस टू कॉस, देखो भैया ये कैंसिल हो जाएगा और टू एक्स और टू एक्स जुड़ गए, फोर एक्स और फोर फोर एक्स एक्स का आधा टू एक्स, क्लियर, हाँ सर क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर हाँ सर और यहाँ से टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, और कॉस के अंदर देखो माइनस टू पाई बाई थ्री, माइनस टू पाई बाई थ्री मतलब हो गया माइनस फोर पाई बाई थ्री, -4 बाय 3 और होल डिवाइडेड बाई टू बैठा हुआ है, बैठा कि नहीं बैठा, हाँ हाँ टू तो है ये टू बेटा पलटी मार के यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ तो वो है ना भाई, माइनस हाँ टू सर पाई हाँ बाई थ्री और माइनस टू, माइनस फोर पाई बाई थ्री अपॉन टू समझ ही गया सर है, समझ गया तो टू हाँ काट देगा इसको, तो बन जाएगा माइनस टू पाई बाई थ्री, क्लियर। -2 पाई बाय 3 हाँ सर समझे तो ये हो जाएगा थ्री माइनस कॉस टू एक्स माइनस अच्छा ब्रैकेट होल में बाय टू भी था सर टू कॉस टू एक्स, हाँ होल बाय टू भी है, वो भी लिखूँगा लास्ट में मैं, है ना, ठीक है सर ठीक है, अभी यहीं लिख दूंगा टू कॉस टू जी हाँ एक्स समझ गया सर और कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री। अब एक चीज़ देखो भैया कि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, जो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है वो कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री जो हो जाएगा वो प्लस में हो वो जाएगा कॉस ऑफ टू cos 2π/3 हो पाई बाई जाएगा थ्री ही हो जाएगा, क्लियर, हाँ कॉस टू पाई बाई थ्री यानी पाई बाई थ्री यानी 60 का डबल, कॉस 120 डिग्री, डायरेक्ट मुझे तो हाँ वैल्यू सर याद है, माइनस वन बाई टू होती है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, निकल यदि जाएगा आपको सर हाँ नहीं सर याद है तो कॉस 180 माइनस 60 कर लीजिए, 180 है सर मतलब नो चेंज, यानी कि नो कॉस चेंज है 60 और सेकेंड क्वाड्रेंट है यानी कॉस की cos वैल्यू 60 सेकंड नेगेटिव आएगी, क्लियर, हाँ सर तो हाँ सर माइनस वन बाई टू ये आ गई इसकी वैल्यू, क्लियर, हाँ सर ठीक है। हाँ सर तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ इन टू, तो कॉस देखो माइनस टू पाई बाई थ्री था तो कॉस माइनस थ्री टा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, यानी कॉस टू पाई बाई थ्री, ठीक है भैया, हाँ सर यहाँ पे लिख सकते हो कि कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री जो होगा वो कॉस टू पाई बाई थ्री ही हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक है भैया। यस सर चलिए अब ऊपर करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक पेज मैं एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देता हूँ, तो देखिए जो हमारे पास चल रहा था वो क्या चल रहा था, हमारे पास है थ्री माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है श्योर, हाँ सर थ्री माइनस कॉस टू एक्स और माइनस टू कॉस टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स इंटू, श्योर याद होगा कॉस टू पाई बाई थ्री की वैल्यू माइनस वन बाई टू, हाँ है ना, हाँ 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 और होल डिवाइडेड बाई टू ये भी चल रहा था, डन। यस सर अब देखिए बेटा एक माइनस साइन अंदर है और एक माइनस साइन बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस प्लस तो प्लस हाँ सर थ्री माइनस कॉस टू एक्स प्लस हो प्लस जाएगा टू कॉस टू टू एक्स कॉस टू इंटू वन एक्स बाई टू, टू से टू क्या हो गया हाँ सर कैंसिल, कैंसिल कैंसिल होल डिवाइडेड बाई टू क्या बच गया, थ्री कॉस माइनस टू एक्स कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स से कॉस होल, टू एक्स कॉस टू एक्स कर जाएगा थ्री हाँ बाय टू हो वो जाएगा भी कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा थ्री बाई थ्री टू, बाय और टू यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ओके सर डन, यस सर ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही है, हैंस प्रूफ थ्री बाई टू। चलिए अब आप इसको नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, हाँ सर चलिए करिए। देखिए बच्चों सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं इसको करने के लिए क्या ज़रूरी है, अगर आपके पास कोई एक्सपेंशन इस फॉर्म की है ए प्लस बी होल टू दी पावर एन के टाइप की एक्सपेंशन है, तो सबसे पहले आपको इसका जनरल टर्म जिसको आप बोलते हैं आर प्लस वंथ टर्म पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर तो देखो इसका मैं दो टर्म आपको बता रहा हूँ, एक मैं इसका आरथ टर्म बता रहा हूँ और मैं एक आपको आर प्लस वंथ टर्म बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा बड़े आराम से अगर आपने पढ़ रखा है तो चैप्टर।
आर प्लस वंथ टर्म और आर्थ टर्म। देखिए जब आप इसके फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो क्या आता है, एन सी जीरो, मतलब सी के नीचे एक से कम आता है। जब आपके सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो एन सी वन आता है। बोलो बेटा आता कि नहीं आता? हाँ 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 बिल्कुल सर बिल्कुल, तो जब आप चौथे टर्म की बात करेंगे तो एन सी थ्री एन सी आएगा। थ्री आएगा। तो जब आप आर्थ टर्म की बात करेंगे तो टर्म क्या बनेगा, एन सी आर माइनस वन, उससे एक कम। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ क्योंकि आर बोल रहा है तो हाँ आर हाँ से सर, एक आर कम, एक एन कम सी होता आर माइनस वन। फिर क्या हो जाता है, ए की पावर ऊपर वाला है ऊपर वाले माइनस नीचे वाला, उसकी तो एन में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन, और बी की पावर आर माइनस वन। बोलिए होता है कि नहीं होता? हाँ हाँ सर अगर आप आर प्लस वंथ टर्म की बात करेंगे तो ये बनेगा एन सी आर, ए की पावर ऊपर माइनस नीचे वाला, एन माइनस आर, और बी की पावर आर, ये बनेगा। आर। इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन दी गई है वो क्या है, वन प्लस एक्स की पावर 34, ये हमें गिवन एक्सपेंशन है। बोलिए दिया कि नहीं दिया? हाँ हाँ सर तो बेटा ये हमें गिवन एक्सपेंशन है। अब क्या कह रहा है, इसमें आर माइनस फिफ्थ और आर टू आर माइनस वंथ टर्म। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर अगर ये कोफिशियंट इनके इक्वल हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आर्थ टर्म आपको बता दूं जिससे आपको कोफिशियंट दिख जाएगा। आपको देखिए इसका जो आर्थ टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, इस एक्सपेंशन का आर्थ टर्म लिखता हूं मैं आपके सामने, 34 सी आर माइनस वन, वन की पावर कुछ भी होगी थर्टी वन ही फोर आएगा, और एक्स की पावर आएगा आर माइनस वन। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक सर क्योंकि जो नीचे होता है वो आता है। तो अब हाँ हाँ फिलहाल यहाँ पर आपसे इसी एक्सपेंशन में आर माइनस फिफ्थ टर्म जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर माइनस फिफ्थ टर्म क्या निकलेगा, देखिए 34 सी, जब आप आर कहते थे तो आर माइनस वन आता था, तो आर माइनस फाइव कहेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस सिक्स, उससे एक कम, और एक्स की पावर आर माइनस सिक्स। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ सर अगला एक और टर्म है, टू आर माइनस वन भी है अगला टर्म, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू आर माइनस वंथ टर्म इक्वल टू 34 सी टू आर माइनस टू, क्योंकि टू आर माइनस वन से एक और पीछे क्या होगा, टू आर माइनस टू। टू और यस और नो? माइनस होगा ना बेटा? हाँ हाँ और बेटा यहाँ पे कितना आएगा, एक्स की पावर टू आर माइनस टू। क्लियर? हाँ सर अब क्या कह रहा है कि इन टर्म्स में जो ये कोफिशियंट्स हैं वो इक्वल हैं, वेरिएबल है एक्स, और एक्स के साथ जो बैठे होते हैं ये होते हैं कोफिशियंट। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे बेटा? यस सर यस तो दो कोफिशियंट हैं, एक है 36 34 सी आर माइनस सिक्स, और एक है 34 सी टू आर माइनस टू। तो दोनों इक्वल हैं, तो गिवन कोफिशियंट्स आर इक्वल। कह रहा है गिवन दैट कोफिशियंट्स आर इक्वल। ठीक है इक्वल श्योर? हाँ सर तो भैया जो पहला कोफिशियंट है यहाँ पर क्या है, वो पहला कोफिशियंट हमारे पास है, देखिए 34 सी आर माइनस सिक्स, ये है पहला कोफिशियंट 34 सी आर माइनस सिक्स, है कि नहीं है बेटा? हाँ सर और ये कोफिशियंट इक्वल है दूसरे कोफिशियंट के जो है 34 सी टू आर माइनस टू, 34 सी टू आर माइनस टू। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर अब मैंने बताया था कि अगर एन आर माइनस सी ए इक्वल टू एन सी बी होता है तो दो रूल तो लगते उसका हैं, सी आइदर इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू होता बी होगा या ए या प्लस फिर बी इक्वल टू एन होगा, हाँ दो सर रूल बताए थे मैंने। तो इसमें हाँ या सर तो तो ये ए इज दोनों इक्वल बराबर टू होंगे, बी माइनस तो आर माइनस सिक्स इक्वल टू टू आर माइनस टू कर दो, हाँ तो ये सर कितना हो जाएगा, देखिए आर इधर चला जाएगा तो टू आर माइनस आर, और माइनस सिक्स प्लस टू जो हो जाएगा तो आर इक्वल टू माइनस फोर, जो कि पॉसिबल नहीं है। आर कभी नेगेटिव नहीं होता, आर चॉइस है, चॉइस कभी नेगेटिव नहीं होती। नहीं बोलिए होता यस और नो? हाँ सर तो ये केस तो गया। तो दूसरा केस ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, एन, यानी कि एन 34। तो आर माइनस सिक्स प्लस टू आर माइनस टू, बोलो ये ए हो गया।
हाँ ये बी हो गया, और दोनों का सम कितना होना चाहिए बेटा, 34, 36 थर्टी सर फोर होना 36 चाहिए दोनों का सम। तो आर प्लस टू आर 3 आर हो गया, और माइनस का 8 इक्वल टू 34, तो 3 आर इक्वल्स टू 34 प्लस 8, 3 आर इक्वल्स टू 8 चार 12 42, आर इक्वल टू 42 बाई 3, सो आर इक्वल्स टू 14। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ सर, हाँ तो सर, बेटा आर की वैल्यू यहाँ पे 14 आनी चाहिए, लेट अस सी, यस करेक्ट आंसर इज 14। ठीक है, -40 हाँ सर, नहीं नहीं -14 नहीं होगी, 14 ही होगी प्लस। वी सर लिखा है वी आइदर गेट अच्छा हाँ सर लिखा है हाँ आर इज़ अ -40 इज नॉट नेचुरल नंबर ना, तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, बिकॉज चॉइस है ना ठीक है भाई, हाँ सर चार क्लास में से दो बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 4C2, आर की जगह 2 होगा, निगेटिव कभी होंगे बच्चे क्या, नहीं, नथिंग, तो कभी नहीं हो सकते। सो यस चलो नोट कर लो बेटा इसका, डन। हाँ ठीक है, सर यस सर तो बाइनोमियल कोफिशियंट ऐसे कंपेयर किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशियंट, वेरिएबल को छोड़ के जो कोफिशियंट बनते हैं उनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशियंट।